So students, in our previous video we talked about leaf, stem and roots. Now we are going to talk about the most attractive part of the plant. सबसे सुंदर जो सबको लगता है that is the colorful part of the plant, attractive part of the plant that is flower. हमें सभी flowers की shape और size और color और उनकी smell ये जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ना केवल हमें, ये इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये फ्लावर्स. फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिंग्स और रोल्स. उनके अंदर एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं जिन्हें हम रोल्स बोलते हैं. जो फ्लावर के ऊपर सबसे ऊपर की लेयर होती है, जब वो कली की शेप में होता है, वो ग्रीन कलर की होती है जिन्हें हम सेपल्स बोलते हैं. ये सब फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है जब तक कि वो कली में फ्लावर के दूसरे पार्ट्स जो हैं तैयार हो रहे होते हैं, वो उसको तब तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे जैसे अंदर के पार्ट्स बड़े होते हैं, ये सेपल्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर से सुंदर सुंदर पेटल्स येलो, रेड, ब्लू, पर्पल कलर की निकलना शुरू हो जाती हैं. पेटल्स जो हैं ये सेकेंड रिंग है हमारे फ्लावर्स का और बहुत ही ब्राइट, बहुत ही खुशबूदार पार्ट होता है प्लांट का. हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जब उनके ऊपर आते हैं तो वो पॉलिनेशन करते हैं. अभी हम पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, इस वर्ड को ध्यान से याद करके रखिएगा. इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर समझाएँगे आपको. फ्लावर का थर्ड पार्ट है हमारा स्टेमेन. जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट. This is known as filament. और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर. This is known as एंथर. तो यहां से अंडरलाइन भी कर लीजिएगा आप. स्टेमन हैज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर called anther and a long tube like structure called filament. अब इस anther के अंदर अगर हम इसे खोल के देखें, इसके अंदर powdery substance होता है जिसको हम बोलते हैं pollen grains. यानी कि anther के अंदर पैदा होते हैं pollen grains that take part in reproduction, whereas filament provides support to the anther. फिलामेंट का सिर्फ काम है वो एंथर को सपोर्ट करता है और एंथर का काम है पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना. उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं. नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट हमारे फ्लावर का है, वो है पिस्टिल या कार्पल. ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इसमें जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये एक बॉटल की शेप का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर का बना हुआ है हमारी बुक में. ये देखिए, इस तरह से एक बॉटल की शेप का पार्ट है. दिस पार्ट इज नोन एज पिस्टिल या कार्पल. ये पूरा पार्ट जो है इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो इसके ऊपर का मोटा मोटा देख रहे हैं आप, बॉटल की जैसे नेक होती है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. उसके बाद नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है स्टाइल. उसके बाद ये जो ओवरी लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज बॉटल में जैसे नीचे का बॉटम होता है उसको हम बोल रहे हैं ओवरी. इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे इस तरह से एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल. तो ये है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सारे पार्ट्स यानी कि पिस्टल के पार्ट्स.
अगर हम इस कार्पल या पिस्टल को ध्यान से देखें तो इसमें एक स्टाइल के अंदर एक पोलन ट्यूब भी होती है जो कि ओव्यूल्स तक जाती है। अब जब इस एंथर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी एजेंट की हेल्प से, चाहे वो हवा है, चाहे पानी है, या किसी इंसेक्ट के साथ के पैरों के साथ चिपकते हुए, ये किसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, जब कोई भी इंसेक्ट इन फ्लावर्स पे बैठता है तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से उसकी लेग्स पे चिपक जाते हैं, और जब वो स्टिग्मा के पास जाता है तब ये उसके ऊपर गिर जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं अब स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये अब धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं पॉलन ट्यूब से होते हुए अंदर ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं, और अब ये ओव्यूल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और अब ये जो है यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब ये ओव्यूल जो है जब स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो धीरे धीरे ग्रो करके ये सीड्स बनाएगा, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होते हैं तो वो सीड्स बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है फ्लावर का, दैट इज पेडिसिल। जैसे कि हमने लीफ में पढ़ा था पीटियोल होता है, ऐसे ही एक स्मॉल स्टॉक जो कि फ्लावर को अटैच करती है दूसरे फ्लावर्स के साथ या फिर स्टेम के साथ, उसे हम पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल जो है वो फ्लावर को सपोर्ट देती है, उसकी पोजीशन में रखती है उसको। फ्लावर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अब हम फ्लावर के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें सीड्स तैयार होती हैं। फ्लावर जो है वो हमें इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि हम अपने घरों में इनको रखते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फंक्शंस में इनसे डेकोरेशन करते हैं। फ्लावर्स जो हैं इनसे परफ्यूम्स बनती हैं, सेंट्स बनती हैं। सम ऑफ द कॉमन परफ्यूम्स परफ्यूम्ड फ्लावर्स आर रोज, जैस्मिन, केवड़ा, लेवेंडर, इन सभी से आप जो है पाउडर या आपकी इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, जिस अगरबत्ती जो है, इन सब में आप इनकी खुशबू पसंद करते हैं। कुछ एक फ्लावर्स हम खाते भी हैं, जैसे कि क्लोव्स जो हैं ये मसालों की तरह यूज़ होती है। लौंग जो है ये भी एक फ्लावर है, ड्राइड फ्लावर है। और इसी तरह से हम कुछ फ्लावर्स, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ रखा है स्वांजना के फूल, हम ये सब जो है खाते भी हैं वेजिटेबल्स की तरह। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सीड। अभी आपने देखा फ्लावर में जो नीचे का पोर्शन है उसके अंदर जो ओव्यूल्स जब फ्यूज होते हैं पॉलन ग्रेन्स के साथ तो वो सीड बनाते हैं। सीड जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी प्लांट जो है स्टोर हुआ है, और उसके साथ बेबी प्लांट के साथ उसके लिए फूड भी स्टोर हुआ होता है। किसी भी सीड को आप खोल के देखिए, उसमें आपको दो कॉटिलिडन्स नज़र आएंगे, बेबी प्लांट नज़र आएगा, और उसके ऊपर सीड कोट नज़र आएगा। हमने सीड
की डाइसेक्शन पहले करके देखी हुई है पिछली वीडियोस में. व्हेन द सीड फाइंड्स मॉइस्ट सॉइल इट जर्मिनेट्स. अगर आप ग्राम सीड्स ले लो, सफ़ेद छोले ले लो, उसको पानी में भिगो के रख दीजिए तो थोड़े 24 घंटे के अंदर ही आप देखोगे उसकी जो ऊपर का सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाएगा. उसको हटाओगे उसमें से सीडलिंग्स निकलेंगे, यंग प्लांट निकलेगा, बेबी प्लांट जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं. अगर ये प्लांट ग्रो करता है तो इसमें से फिर से फ्लावर्स और फ्रूट्स पैदा होते हैं. तो ये जो है ये है स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. सीड से फिर प्लांट, प्लांट से फिर फ्लावर, फिर फ्लावर के बाद फ्रूट्स और फ्रूट्स में से सीड्स. सीड्स जो हैं इन ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम जो है न्यू प्लांट बना सकते हैं. अगर सीड्स नहीं होंगी तो न्यू प्लांट्स नहीं बनेंगे. सीड्स जो हैं ये इन प्लांट्स को दूसरी जगह पे डिस्पर्स करने में भी हेल्प करती हैं. हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लांट का है फ्रूट. जैसे कि अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में नीचे जो है ये जो पोर्शन है दिस इज़ द ओवरी ऑफ द फ्लावर. जैसे जैसे फ्लावर जो है ये बड़ा होता है, अगर आप उसे प्लांट से तोड़ोगे नहीं तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर ये जो उसका स्टिग्मा स्टाइल, ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ये मोटा होता चला जाएगा. पेटल्स जो हैं सूख के गिर जाएंगी और ये वाला पोर्शन जो है उसका ये सूख जाएगा. और अब फ्लावर की ये ओवरी जो है ये धीरे धीरे मोटी होती जाएगी और फ्रूट में बदल जाएगी. और उसके अंदर के जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में बदल चुके होते हैं. यहाँ पे जो प्लांट है वो अपना फूड स्टोर कर रहा है. इसीलिए ये जो है ये प्लांट का ने अपना फूड स्टोर किया हुआ है. तो जैसे जैसे ओवरी जो है वो मैच्योर हो रही है वो फ्रूट में बदल रही है. यानी कि फ्रूट इज़ डिफाइंड एज द मैच्योर और राइपेंड ओवरी. ये फ्रूट की डेफिनेशन है. और ऐसा तभी होता है जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है. तो फ्रूट के फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोटेक्ट सीड अगेंस्ट इंजरी. सीड्स को प्रोटेक्शन देता है. दूसरा, सीड्स को डिस्पर्स होने में हेल्प करता है. फूड स्टोर करता है. और फ्रूट जो है प्लांट का एडिबल यानी कि खाने योग्य पार्ट है. तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो प्लीज़ रिवाइज दीज कीवर्ड्स एंड विल मीट इन अनदर मीटिंग फॉर